वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने रिसेंटली मेरा फरीदाबाद मेला का वीडियो देखा होगा एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली से बाहर रहते हैं तो एक बार फरीदाबाद मेला आप ज़रूर जाएं, बहुत ही अच्छी जगह है। मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी और रियली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो फरीदाबाद से मैंने क्या क्या ख़रीदा है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए इस हॉल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो ख़रीदा है वो इस टाइप का जूट का बैग है, आप देख रहे होंगे ये काफ़ी बड़ा सा जूट का बैग है, ये मैंने लिया है एंड साइज़ इसका बहुत बड़ा है, आप देख रहे होंगे। एंड इसमें चेन भी है, चेन इसमें दिया हुआ है एंड चेन के साथ में इस टाइप का बटन भी दिया हुआ है, आप खोल बंद कर सकते हैं। तो ऐसा मैंने दो लिया है एंड इसका प्राइस है 200 रुपीज़, जो कि बहुत ही चीप रेट है। तो इस टाइप का बैग मैं जनरली सब्जी लाने के लिए या फिर ग्रॉसरी लाने के लिए यूज़ करती हूँ, ये जितना भी भारी हो जाए जूट के बैग फटते नहीं हैं, तो यही सोच के मैंने दो लिया है। नेक्स्ट मैंने लिया है अगेन एक जूट बैग जो कि काफ़ी बड़े साइज़ में है, आप देख रहे होंगे ये ब्लू कलर में है एंड सामने इसके बहुत सुंदर सा ट्राइबल प्रिंट किया हुआ है और ये भी जूट का है। और इसके साथ मैंने लिया है एक, इससे छोटा है ये, अगेन एक जूट बैग है, ये भी प्रिंटेड में है, आप देख रहे होंगे। एंड इसमें दो कंपार्टमेंट है, ये एक मैंने लिया है और इसके साथ मैंने लिया है एक छोटा सा जूट बैग जो कि पर्स काइंड ऑफ है एंड इसमें सामने में पैच वर्क दिया हुआ है जिसमें आउल बना हुआ है एंड ये भी काफ़ी स्पेशियस है। तो ये जो तीन बैग है ये मुझे मिला 500 रुपीज़ में, जो कि काफ़ी अच्छी डील थी। बैग्स में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ लेना क्योंकि वो ट्रैवल वगैरह में बहुत ही इजी होता है एंड आप अगर शॉपिंग करने भी दिल्ली में चले जाएं तो आपको इस टाइप के बैग की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने ये सेट लिया है। तो सूरजकुंड मेला में कपड़े की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, आप सूट लो, आप साड़ी लो, आप कुर्ती लो, आप दुपट्टे लो या फिर आप जो वो फैब्रिक होते हैं वो भी थे, बहुत सारे थे एंड प्राइस भी सबके बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल थे। तो कपड़े ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी हो चुके हैं इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ कपड़े की शॉपिंग नहीं की वहाँ से, बस मैंने वहाँ पर एक ये शॉर्ट कुर्ती लिया है, आप देख रहे होंगे ये ग्रीन कलर में है, डार्क ग्रीन में एंड इसके हैंड्स में भी कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी की हुई है और नेक में भी काफ़ी अच्छा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है एंड नीचे भी इसके अच्छे खासे एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। तो ये मैंने लिया, एक्चुअली इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, तो मैंने ये ख़रीदा है एंड इसका प्राइस वो 550 रुपीज़ बोल रहे थे बट बार्गेन करने में उन्होंने मुझे 500 में दिया है। उसके बाद मैंने इस टाइप के छोटे छोटे सेरेमिक के मिनिएचर्स लिए हैं, ये मैं अपने बालकनी में सजाऊंगी, इसे अपने गमले में रखूंगी, ये पूरे सेरेमिक का है, इस टाइप का छोटा सा आउल है आप देख पा रहे होंगे एंड ये छोटा सा घर है और ये एक छोटा सा डियर है। तो ये मैंने लिया है, ये उन्होंने दिया है मुझे 100 के 3। सूरजकुंड मेला में सेरेमिक के बहुत सारे दुकान थे वहाँ पे, जहाँ पे सेरेमिक के आपको गमले मिल जाएंगे, सेरेमिक के कुछ बाउल्स, कप सेट वगैरह, प्लेट वगैरह एंड फ्लावर वॉसेस वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे और वो दिखने में इतने ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे, मतलब जो भी वहाँ जा रहे हैं सेरेमिक के कुछ ना कुछ तो वो परचेज़ कर ही रहे हैं। और मैं अगर जाऊँ तो मैं वहाँ से क्यों ना ख़रीदूँ, तो मैंने भी ख़रीदा है। मैंने इस टाइप के दो छोटे छोटे कप लिया है, टी कप्स, आप देख रहे होंगे ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, ब्लू कलर में है ये, ऐसा मैंने दो लिया है। वहाँ इसके सेट भी दे रहा था 6 पीस का बट मेरे पास ऑलरेडी सेट काफ़ी सारे हैं कप्स के, तो ये मैंने सिर्फ दो लिया है। और मैंने लिया है एक इस टाइप का कप, अगेन ये चाय वाला कप है, ऐसा मैंने दो लिया है, ऑरेंज कलर में है ये, तो ये मुझे मिला है 50 रुपीज़ ईच। उसके बाद मैंने लिया है एक सेरेमिक का सीटी, आपने ये मुझे बजाते हुए देखा होगा मेरे सूरजकुंड मेला वाले वीडियो में, इसमें पानी डाल के ये बजाते हैं और ये मैंने एक लिया है, तो इसको मैं बालकनी में रखूँगी, ये बर्ड बना हुआ है तो बालकनी में रखने से ये अच्छा भी लगेगा।
उसके बाद मैंने लिया है ये लाख की चूड़ी जो कि ऑरेंज और ब्लू में है, आप देख रहे होंगे काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये मैंने लिया है। एंड ये 8 पीसेस का सेट है, ये उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ में दिया है। क्योंकि लाख की जो चूड़ियाँ होती है वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, तो इसकी ख़ास बात ये है कि ये चूड़ी उन्होंने मेरे सामने बनाई और मैंने जस्ट ख़रीदी इसे, तो ये काफ़ी गर्म भी था, उन्होंने तुरंत बनाया था, तो ये मैंने ख़रीदा। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने ख़रीदा इस टाइप के मिट्टी के 2 बॉबल हेड, आप देख रहे होंगे ये दादाजी दादी जी बनी हुई है, और ये मैंने ख़रीदा, आप देख पा रहे होंगे ये बॉबल हेड है, इसका सर हिलता है, ये मैंने ख़रीदा। एक्चुअली ऐसा मेरे बचपन में मेरे पास था, तो ये देखते ही मुझे अपने बचपन की याद आ गई, तो ये मैंने लिया है। एंड उन्होंने इसका जो प्राइस बताया था वो अराउंड 350 कुछ बताया था पेयर, 350 रुपीज़ पेयर, बट बार्गेन करने पे उन्होंने मुझे ये 200 में दिया है। तो सूरजकुंड मेले में जो इंटरनेशनल शॉप्स भी लगाई हुई थी, एंड उसमें से थाईलैंड भी था, एंड थाईलैंड के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, सारे विजिटर्स उस शॉप में एक बार ज़रूर जाते हैं, तो मैं कैसे नहीं जाती, तो मैं भी गई वहाँ पे। एंड वहाँ से मैंने ख़रीदा एक ये प्यारा सा सेरेमिक का विंड चार्म, आप देख पा रहे होंगे इसमें आउल बना हुआ है, ये काफ़ी प्रीटी लग रहा था। ये एक्चुअली मैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भी मैं बहुत बार देखी थी, बट पता नहीं मुझे इस मेले में मुझे ये बहुत ज़्यादा लेने का मन किया, तो ये मैंने ख़रीदा। एंड इसका प्राइस वो 350 बोल रहे थे, एंड वहाँ बार्गेन वो नहीं करते हैं, तो उन्होंने मुझे 350 में ही दिया। नेक्स्ट मैंने लिया है जो बांस के जो सूप वगैरह या टोकरी होते हैं, उसकी भी स्टॉल थी वहाँ पे, तो उन्हीं का ये मिनी क्रिएचर आप देख रहे होंगे, ये छोटा छोटा बनाया हुआ है उन्होंने, इसे हम सांथाल में हटा बोलते हैं, और ये छोटा सा बास्केट टाइप का है, एंड ये टोकरी है जिसे हम सांथाल में ठेका बोलते हैं, एंड ये इसमें हम गांव में चावल वगैरह सुखाते हैं, तो ये मुझे काफ़ी प्यारा लगा, मतलब मैं बड़ा तो रख नहीं सकती हूँ अपने घर में, तो छोटा ही सही, तो ये मैं लेके आई हूँ। एंड इसका प्राइस वो ये सेट है, तो इसका प्राइस 50 रुपीज़ का है ये। उसके बाद मैंने कुछ बेडशीट्स भी ख़रीदे हैं, मेले में बेडशीट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, खास करके हैंडलूम की, सिंगल बेड के लिए, डबल बेड के लिए या किंग साइज़ बेड के लिए, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, तो मैंने भी वहाँ से कुछ बेडशीट्स ख़रीदे हैं। पहला बेडशीट जो है ये कॉटन में है, ये ब्लू कलर का है, एंड बीच में इसके इस टाइप का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, आप देख रहे होंगे, ये डबल साइज़ बेड का है, ये मैंने लिया है। एंड इसके साथ है इसका पिलो कवर, तो पिलो कवर मैं दिखाती हूँ आपको, ये इस टाइप का पिलो कवर है, 2 दिया है उन्होंने, और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, इसके बहुत सारे कलर्स भी थे, तो इसका जो प्राइस है वो 500 रुपीज़ है। और इसके साथ ही मैंने एक हैंडलूम की बेडशीट ली है, ये प्लेन में है, ये पिंक कलर में है, आप देख रहे होंगे, एंड काफ़ी अच्छा मटेरियल इसका मोटा है काफ़ी, इस टाइप का बेडशीट लगाने से आप जितना भी बेड में इधर उधर होए बेडशीट ख़राब नहीं होती है, ऐसा मेरे पास ऑलरेडी एक है, तो उसका एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। उसके साथ मुझे मिला 2 पिलो कवर जो कि काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में है, आप देख रहे होंगे, और इसमें ख़ास बात ये है कि पिलोज़ में चेन भी लगा हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका प्राइस वो 550 बोल रहे थे, बट उन्होंने बार्गेन करके अगेन 500 रुपीज़ में दिया है, तो ये बेडशीट्स मैंने लिए हैं। इस टाइप का मैंने एक सेरेमिक का टिश्यू पेपर होल्डर लिया है जो कि काफ़ी सिंपल है एंड प्यारा दिख रहा है, ये आप इसमें टिश्यू पेपर या फिर आप इसमें स्पून वगैरह या फिर आपका जो स्पैचुला वगैरह है वो आप रख सकते हैं अपने किचन में, तो ये मैं ख़ास टिश्यू पेपर के लिए ली हूँ, तो ये मुझे मिला है 50 रुपीज़ में। तो ये था मेरा सूरजकुंड मेला का शॉपिंग हॉल वीडियो, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे आइडिया नहीं था वहाँ क्या मिलता है और इतने सस्ते प्राइसेस में मिलता है, मुझे ये भी नहीं पता था,
तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी वापस से जाने का। एंड अगर आपके पास टाइम है तो आप दिल्ली ज़रूर आइए सूरज कुंड मेला में। एंड डेट वगैरह जानने के लिए आपको जो हरियाणा का वेबसाइट होता है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।